हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स स्पेशली। एक कमेंट में एक क्वेश्चन मेरे को पूछा गया एक स्टूडेंट द्वारा, तन्मय रॉय ने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। टू वेव्स आर प्रोपेगेटिंग टू द पॉइंट पी बाई टू सोर्सेस ए एंड बी ऑफ इक्वल फ्रिक्वेंसी। द एम्पलीट्यूड ऑफ एवरी वेव एट पी इज ए। द फेज ऑफ ए इज अहेड बाई पाई बाई थ्री देन बी। द डिस्टेंस ए पी इज ग्रेटर देन बी पी इज 50 सेंटीमीटर। देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट अ पॉइंट पी विल बी इफ द वेव लेंथ इज 1 मीटर। और ये चार चॉइस दे रखे हैं, तो कुछ सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं और जो डाटा दे रखा है वो लिखते हैं। कि मान लो कि मेरे पास ये दो सोर्सेस हैं, ये मेरे पॉइंट है जिन दोनों सोर्सेस का, और ये एक स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है। यहाँ से ये पॉइंट है आपका बी और ये पॉइंट है ए। यहाँ से एक वेव निकली है और एक वेव यहाँ से निकली है, और ये दोनों इस वाले पॉइंट पर, पी पॉइंट पर सुपर पहुँच गई है। देखो ए पी जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ए पी इज ग्रेटर देन बी पी इज 50 सेंटीमीटर। तो ए पी डिस्टेंस बी पी से 50 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो मैंने परपेंडिकुलर कर लिया है, एक के डाल लिया है। ये जो ए के है इसको हम पाथ डिफरेंस बोलेंगे। ये जो पाथ डिफरेंस है ए के, ये लिख सकते हो आप ए पी ज़्यादा है माइनस बी पी। 50 सेंटीमीटर है तो इसे चेंज कर लेते हैं, तो 50 सेंटीमीटर है तो इसे 1/2 मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये यहाँ से यहाँ तक की चर्चा है। फिर क्या कह रहा है आगे, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल है, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल है, इस वाली वेव का और इस वाली वेव का दोनों का एम्पलीट्यूड हमें ए वन बराबर ए और ए टू बराबर ए दे रखा है। ठीक है, लेकिन एक लाइन और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। फ्रिक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। ठीक है, दोनों वेव की, दोनों सोर्सेस की फ्रिक्वेंसी सेम है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। द फेज ऑफ ए इज अहेड बाई पाई बाई थ्री देन बी। लेकिन ए का फेज पहले से ही बी से ज़्यादा है ना। तो इस वाली सिचुएशन में इसको थोड़ा सा और समझें। ए का फेज ज़्यादा है मतलब ए पे वेव जल्दी पहुंचती है। मान लो कुछ सोर्स यहाँ से ये ऐसे है, तो यहाँ पर भी पाथ में डिफरेंस है बेटा। लेकिन यहाँ पर इस जगह पे मान लो सोर्स ये है, तो जब यहाँ पे लाइट वेव पहुँची थी उससे पहले ही ए का फेज बी से ज़्यादा था। दैट मीन्स ए का अगर फेज ज़्यादा है तो लाइट यहाँ पे पहले पहुँच गई है, बी भी में बाद में पहुँची है। तो इसका मतलब कि आपका बी का पाथ ज़्यादा है यहाँ पर और ए का पाथ यहाँ पर कम है, जबकि यहाँ उल्टा दे रखा है, ए का पाथ ज़्यादा है बी का पाथ कम है। तो पहले फेज डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, इनिशियल इनिशियल फेज डिफरेंस बोले इसे, फेज डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक, ये ओ से ए और ओ से बी तक के लिए ये दे रखा है हमें पाई बाई थ्री, फेज डिफरेंस है ये। ठीक है ना। अच्छा, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। इस जगह पे जो पाथ डिफरेंस है, इस जगह पे जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स डैश, इसको लिखूंगा तो ओ बी बड़ा है और ओ ए छोटा है। ये मेरे को निकालना है किस जगह पर कितना पाथ डिफरेंस है। तो ये मैं लिख लेता हूँ, ये पाई बाई थ्री रखा, 2π/λ मेरे को यहाँ पे वेवलेंथ रखी है वेव की 1 मीटर, लेमडा 1 मीटर दे रखा है, तो लेमडा 1 रख दो इंटू ये जो पाथ डिफरेंस निकल के आ रहा है ये है ओ बी माइनस ओ ए। आई से पाई कैंसिल, देन ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू, ये हो गया 1/6 मीटर। तो देखो इधर ओ बी का पाथ ज़्यादा है ओ ए से और इधर ए पी का पाथ ज़्यादा है बी पी से, उल्टा सा हो गया है, दिख रहा है भाई, समझ में आया होगा। तो ये इसका पाथ डिफरेंस दे रखा था, ये इसका पाथ डिफरेंस दे रखा है, तो मेरे को तो टोटल पाथ डिफरेंस चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, टोटल पाथ डिफरेंस। इसीलिए टोटल पाथ डिफरेंस
अगर मैं टोटल पाथ डिफरेंस निकालूं डेल्टा एक्स, देखो ये वाला पाथ जो है एपी का, ए से पी तक का और बी से पी तक का, वो 1/2 मीटर है, और ओ से बी और ओ ए में पाथ डिफरेंस इतना है, तो पाथ ज़्यादा किसका है, पाथ में डिफरेंस ज़्यादा किसका है, इसका, ये ज़्यादा है तो इसीलिए इसका पाथ बड़ा है बेटा। तो मैं क्या करूँगा कि ओ ए प्लस ए पी, ये तो टोटल पाथ हो गया इस वाली वेव का, ये ओ ए प्लस ए पी, ये पूरा टोटल पाथ हो गया, इसमें से ओ बी प्लस बी पी ये घटा देता हूँ, ये पाथ डिफरेंस हो गया पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल पाथ डिफरेंस हो गया, ओ से लेके पी तक का और ओ से लेके पी तक का ये पाथ डिफरेंस हो गया टोटल, है ना। तो अब ऐसे लिखें इसको, तो देखो यहाँ पे है हमारा ए पी माइनस बी पी, तो इसको ऐसे ले सकते हैं, देखो ओ ए प्लस ए पी माइनस ओ बी माइनस बी पी, और ऐसे ऐसे ले सकते हैं, देखो ए पी माइनस बी पी, ये ए पी माइनस बी पी, और इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, और माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो क्या ले सकते हैं, ओ बी प्लस का और ओ ए माइनस का ऐसे, और ए पी माइनस बी पी की वैल्यू देखो कितनी है, 1/2, और ओ बी माइनस ओ ए की वैल्यू कितनी है, 1/6। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 1, दैट मीन्स 2/6, दैट मीन्स 1/3 मीटर, ये टोटल पाथ डिफरेंस है, इसीलिए टोटल फेज डिफरेंस, टोटल फेज डिफरेंस अगर निकालें तो टोटल फेज डिफरेंस निकालें, फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू टोटल पाथ डिफरेंस, ठीक है, ये टोटल है बेटा, ये टोटल पाथ डिफरेंस, तो 2π/λ इंटू ये 1/3, और लैम्डा की वैल्यू 1 है, लैम्डा अगर 1 पुट कर दें हम यहाँ पे तो ये हो गया 2π/3 रेडियन। इतना आपका टोटल क्या आया, पाथ डिफरेंस, टोटल फेज डिफरेंस आया। इसे आप एंगल में चेंज करना चाहो डिग्री में, तो डिग्री में चेंज कर सकते हो कि फाई इज इक्वल टू 2/3, फाई की वैल्यू 180, 3 से काट दो 60, 120 डिग्री। अब हमें केवल क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, जब ये पी पॉइंट पर सुपरइम्पोज करेंगी तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड प्लस सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड प्लस 2 फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड इंटू फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में टोटल फेज डिफरेंस, ये टोटल फेज डिफरेंस है आपका रूट के अंदर, फर्स्ट वेव का और सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड बराबर दे रखा है मैं, A1 और A2 बराबर दे रखे हैं, पुट कर दो थे a² + 2a² और cos 120, तो ये हो गया आपका 2a² + 2a² इसकी वैल्यू -k 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो रूट के अंदर a² दैट मीन्स a, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड a आया, इसीलिए इसका आंसर है डी, डी इज करेक्ट चॉइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।